हेलो दोस्तों, मैं अभी बेकाल फोर्ट में हूँ। इधर का नज़ारा देखिए, अभी इधर से जा रहे हैं। इधर समुंदर के बीच नज़दीकी है, पीछे समुंदर और इधर एयरपोर्ट। इधर आने के लिए आपको कसरकोट आना पड़ेगा। पहले कसरकोट से बेकाल फोर्ट की बस मिल जाएगी, 22 रुपया लेते हैं। उधर से आप इधर पैदल आ पाएंगे, थोड़ी देर है उधर से 500 मीटर होगा, उधर से आप मिल जाएगा इधर। लेकिन इंडियन लोगों के लिए इधर आने के लिए 25 रुपया टिकट लगता है, और टिकट का प्राइस, और फॉरेनर के लिए 300 रुपया। आप इधर आने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने से अच्छा होगा, लेकिन हमें नहीं मांगा, लेकिन टिकट में लिखा था ऐसे, इसलिए आप वही लेके आने से बेहतर होगा। इस बेकाल फोर्ट को 1640 एडी में बनाया गया शिवप्पा नायक के द्वारा, और ये फोर्ट 40 एकड़ में फैला हुआ है। और जो आप इधर घूमने आते हैं तो आपको साइड ऑफ वॉकवे मिलेगी, उससे आप चारों ओर देख पाएंगे, और पीछे है अरेबियन सी। ऊपर से आप वॉच टावर से आप देख पाएंगे पूरा एरिया का व्यू, और पीछे समुंदर। लेकिन इधर गर्म होने के कारण आपको सुबह नहीं तो शाम को आने से अच्छा होता है, लेकिन आपको कोई कैप नहीं तो पानी लेके आइए, क्योंकि इधर बहुत ही धूप होता है और आपका शरीर थक जाएगी, इसलिए उसका ध्यान रखें आप। और 1763 में ये किला हैदर अली के कब्जे में आया था। उसके बाद से हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान देख रखाव करते थे। लेकिन क्या हुआ हुआ 1799 में वो उनके हाथ से अंग्रेजों के हाथ में चले गए। लेकिन दिन बदलते रहते हैं, उसके बाद अभी तो इंडियन गवर्नमेंट इसके देख रखाव करते हैं। कोई बात नहीं, आपको दिखाने के लिए मैं धूप में भी रहने के लिए तैयार हूँ। छह सात में कुछ बनाया गया होगा, लिखा है। अभी उतर रहे नीचे की तरफ, शायद रास्ता है कि नहीं, दिखा दिखना पड़ेगा इधर से। बड़ा एरिया है इधर जगह। अभी आपको पूरा जगह दिखा रहा हूँ, इधर से उधर बहुत ही बड़ा जगह है, एक कोने में हूँ। अभी देखता हूँ नीचे उतरने का कोई रास्ता होगा से। इधर साइड में वॉक वे है, और साइड में ही फोर्ट के साइड में चारों तरफ वॉक वे है, और पीछे जो समुंदर है। मैं इधर से नीचे जा रहा हूँ क्योंकि उधर समुंदर है, समुंदर के सामने।
आपको दिखाऊंगा उधर रास्ता क्या है कि नहीं। इधर अभी नीचे उतर रहे हैं, धूप लेकिन बहुत है, धूप के साथ साथ हवा भी। आप छाई में रहते तो उतना ज्यादा धूप नहीं लगेगी आपको, लेकिन धूप में जाने से बहुत ही धूप थका देती है धूप। इधर से अभी निकल रही है, उधर से आया था, उधर साइड से इधर दिखा रहा हूँ आपको, इधर से जाएंगे। नीचे जाने का रास्ता है कि नहीं वही दिखना पड़ेगा, नीचे जाने से अच्छा होता दिखता, वो नीचे जाने का रास्ता मिलता है कि नहीं। 9 नंबर, इधर नंबर तो लिखा 9 नंबर। जाने के एक रास्ता है शायद, दिखाई दे रहे, लेकिन उधर से होगा शायद, उधर जाते हैं। टाइम भी नहीं है हाथ में, बहुत कम है, क्योंकि भी निकलना है, घूम जाना है। नीचे जाने का रास्ता मिल गया, अभी उधर ही जा रहे हैं। उधर से दिखा दो आपको पीछे का नजारा, नीचे जाने का रास्ता है, नीचे ही है। जैसे रोड होता है पहाड़ पे चढ़ने का, वैसे ही है। ये बोर्ड के बारे में कुछ लिखा है बोर्ड में, मैं पहले फोटो कैप्चर कर लिया था लेकिन नहीं पढ़ा। मैं रूम जाके देखूंगा क्या क्या लिखा है अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा उसके बारे में। देखिए भाई इधर का नजारा, चट्टानी पहाड़, पहाड़ी है नीचे, प्लेन है। उधर डेंजर लिखा है, बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा है, नो एंट्री। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बारिश के सीजन नहीं है, बारिश के सीजन में डेंजर होता है, लेकिन अभी उतना लहर भी नहीं है, इसलिए आपको दिखा सकता हूँ उधर जाके। आगे समुंदर के सामने पोर्ट इधर है और मैं समुंदर के सामने ही हूँ। देखिए उधर नो एंट्री और डेंजर लिखा है, लेकिन इधर एंट्री करने का मना है, लेकिन फिर भी आ गया आपको दिखाने के लिए, और मैं भी देखना चाहता था कैसा है। देखिए इधर का नज़ारा, इधर बारिश के टाइम में बहुत ही पानी हो जाता है। देखिए इधर देखिए नीचे, आपको तो ऊपर के ऊपर से नीचे का नजारा दिखा दे, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे दिखता है और पानी का लहर। मैं फोटो खींच लेता हूँ कुछ इधर, उसके बाद फिर आपको दिखा दो जगह। इधर का नजारा देखिए लाजवाब है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर देखने में। इधर से अभी निकल रहे, क्योंकि इधर का फोटो खींच लिया और वीडियो भी बना लिया, इसलिए अभी जाते दूसरे जगह की ओर, देखता उधर कैसा दिखता है। समुद्र में क्या होता है कि बारिश के टाइम में जितना भी कचरा फेंक दिया जाता है, उसके बाद सब बाहर आ जाता है। देखिए इधर बोतल सोतल प्लास्टिक का बहुत सारे भर गए इधर, इसलिए इसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण को गंदा करता है और ख़राब भी होता है, क्योंकि मछली निकलने से उसको प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए उस प्लास्टिक पॉलीथीन कचरा ना फेंकना ही अच्छा है, बेहतर है। देखिए पत्थर के ऊपर बनाया गया है, मैं अभी ऊपर चढ़ जाता हूँ जिधर से
आया था नीचे उधर ही पहुंच जाता। देखिए नजारा इधर बहुत बढ़िया दिख रहा है। इधर से इधर छाई है थोड़ा, इधर फोटो खींच लेते क्योंकि छाई में अच्छा होगा फोटो भी और थोड़ी ठंडक मिलेगी इधर, इसलिए इधर बैठ के फोटो खींचते हैं। निकल जाते हैं आगे की तरफ, आपको आगे का जगह दिखाऊंगा और कैसे। इधर से साइड में जाते हैं फिर वापस इधर से रिटर्न होके बीच के रास्ता पे जाते हैं। उधर देखिए चूहा आया, केरला में 12 महीना गर्मी होता है इसलिए गर्मी से थोड़ा बच के रहना चाहिए। इधर अभी मार्च का महीना है, आज 7 तारीख है, लेकिन गर्मी बहुत है। अभी के टाइम हमारे उधर उतनी गर्मी नहीं होती है लेकिन इधर बहुत है, 35 डिग्री है अभी भी। देखिए लेकिन इधर जब सूरज शाम होने के सूरज ढलती है उस टाइम इधर बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और मौसम भी अच्छी हो जाती है इधर। देखिए बोट पे एक आदमी उधर मछली पकड़ रहे हैं, उधर बहुत सारे बोट हैं। और उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उधर ही था, देखा था ऊपर से, लेकिन इधर ही जाने से सही है क्योंकि अभी निकलना भी है मुझे इधर समुद्र के सामने, इसलिए अभी भी बहुत धूप है, थक जा रहे धूप में क्योंकि पानी भी नहीं लेके आया। सुबह निकला था रूम से 8 बजे, उसके बाद मार्केट घूमते घूमते फिर इधर आ गया। आने के बाद देखा जगह अच्छा है, वीडियो बनाया तो चार्ज भी नहीं था इसलिए चार्ज भी कर लिया मोबाइल को, उसके बाद चार्ज देके फिर वीडियो बना रहे क्योंकि बिना चार्ज का तो नहीं हो पाता इधर कुछ भी, इसलिए चार्ज देके पूरा थोड़ा वेट करके उसके बाद अभी बना रहा हूँ क्योंकि उस टाइम धूप भी बहुत था। अभी 3:30 बज गया, 3:30 4 अभी 4 बज रहे हैं, इसलिए अभी वीडियो बनाने से अच्छा भी होगा क्योंकि धूप भी थोड़ी कम होगी अभी, इसलिए देख लिया पूरा, उधर भी देख लिया इधर भी। अभी बीच का चीज दिखाते बीच में कैसे कैसे है, बोट के बीच। यही गेट था, यही गेट से अंदर घुसे थे। इस साइड समुंदर है लेकिन इधर समुंदर नहीं है, इधर नारिकल का पेड़ और फॉरेस्ट जैसा है, जगह अच्छा है इधर लेकिन धूप बहुत है हमारे उधर से बहुत। अभी इधर का रास्ता जो है वो साइड साइड, जैसे वाल है वाल के साइड साइड से उस साइड था, जैसे अभी इधर भी है, इधर से जा रहे हैं निकल रहे क्योंकि मैं घूम लिया इधर। मैं 2 बजे आया था, 1.5 बजे नहीं तो 2 बजे आया था, अभी 4 हो गया। मैं 1 से 1.5 घंटा बैठा था, रेस्ट कर रहा था, उसके बाद फिर इधर से जा रहे हैं। बहुत सारे घूमने आ रहे हैं लेकिन बीच में लॉकडाउन हुआ था उसकी, इसलिए ज़्यादा आदमी अभी नहीं आते हैं बाहर का, लेकिन इधर बहुत ही भीड़ होता है क्योंकि इधर का बहुत सारे लोकल आदमी से मैंने बात की, वो लोगों ने इसे बताया। इधर कुछ लिखा है भारतीय पुरातत्व संरक्षण, ये स्कैनर कोड है, जो आदमी कोरोना के टाइम में
टिकट डायरेक्ट तो बुक नहीं कर पाते, इधर वेरीफाई करके ऑनलाइन जो बुक करते हैं उनके लिए है इधर, इसलिए वो लगाया गया है। कैसे कैसे बनाएगा डस्टबिन आउटर साइड, वो मुझे ऐसा लग रहा है अंदर बॉक्स नहीं तो माइक होगा कुछ। धूप बहुत है इसलिए पसीने पसीने बहुत लग गया, और ह्यूमिडिटी वाला धूप है इधर ज़्यादा, इसलिए बहुत ही पसीना होता है इधर। आम का पेड़ इधर, आम भी हो गया देखिए, मैं खा रहा हूँ पानी की जगह है, पी लेता हूँ पानी इधर से। इधर आम का पेड़ है सिर्फ, देखिए आम भी हो गया छोटा छोटा, कोई जगह में तो बड़ा बड़ा भी हो गया। उधर बड़ा हो गया अंदर, थोड़ा बैठ लेता हूँ इधर, टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि धूप भी बहुत है। देखिए इधर आम हो गया, इधर आने के लिए टिकट जो लगा देखिए बेकल फोर्ट का, फोर्ट के लिए 25 रुपया, इधर लिखा है एंट्री फीस 25 इंडियन के लिए, और फॉरेनर के लिए 300 रुपया है। इस पोर्ट का, बेकल फोर्ट का एक जगह टूट गया देखिए, बहुत पुराना है ये साल आर्कोलॉजिकल प्लेस से देखिए, इसलिए इधर का ईटा कमज़ोर हो गया देखिए, गिर गया इधर, वही बना रहे अभी नया मिस्त्री से देखिए। कैसे करके बनाया गया था पहले, दो दीवार बना के पत्थर अंदर डाल के ऐसे बनाया था, फिर अब मिस्त्री बना रहे हैं। मैं बाहर निकल गया, अभी निकल रहा हूँ, इधर एक मंदिर भी है, बहुत टाइम हो गया है।